नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूंगफली के तेल के बारे में। ये किस किस तरह से फ़ायदेमंद हो सकता है, इसका किस किस प्रकार से उपयोग आप लोग कर सकते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। दोस्तों, मूंगफली को खाने के अलावा इसका तेल भी निकाला जाता है। मूंगफली के तेल का इस्तेमाल भोजन पकाने के लिए भी किया जाता है, लेकिन कुछ राज्यों में इसके स्वाद के चलते मूंगफली का तेल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन अगर आप मूंगफली के तेल से सेहत को होने वाले फ़ायदों के बारे में जानेंगे तो ज़रूर ही मूंगफली के तेल का इस्तेमाल अपनी रसोई में ज़रूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं इसके कौन कौन से फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों, इसका पहला फ़ायदा आता है हाई ब्लड प्रेशर में। इसमें फैट कम मात्रा में होता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर से बचाव हो जाता है। मूंगफली के तेल का इस्तेमाल करने से दिल की बीमारियां होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। दोस्तों, इसका दूसरा फायदा आता है ब्लड सर्कुलेशन को सही बनाए रखने में। मूंगफली के तेल में लिनोलिक एसिड पाया जाता है, जो कि ब्लड सर्कुलेशन को सही बनाए रखने का काम बहुत ही अच्छी तरह से करता है। दोस्तों, इसका अगला फायदा होता है शरीर को मजबूत बनाने में। मूंगफली का तेल प्रोटीन का एक बढ़िया सोर्स माना जाता है। रोजाना सही मात्रा में मूंगफली के तेल में खाना पकाकर खाने से शरीर में मजबूती प्रदान होती है। दोस्तों, इसका अगला फायदा होता है हेयर यानी कि बालों के लिए। बालों में प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए मूंगफली के तेल का इस्तेमाल किया जाता है। इससे बालों को सही पोषण प्राप्त होता है। इसके उपयोग से आप दो मुहे बालों की समस्या से भी छुटकारा पा सकते हैं। डायबिटीज़ के रोगियों को मूंगफली का तेल खाना चाहिए, इससे शरीर में इंसुलिन की मात्रा सही बनी रहती है। इसका उपयोग करने से ब्लड में ग्लूकोज लेवल नॉर्मल होता है और यह ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल में रखने में काफ़ी मदद करता है। दोस्तों, इसका एक फ़ायदा कैंसर में भी है। इस तेल में सेहत को बेहतर बनाने वाले ओलिक एसिड, स्टीरेकिक एसिड और पैलमेटिक एसिड और लिनोलिक एसिड पाए जाते हैं। यह कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से लड़ने में भी मदद करता है। दोस्तों, इसका अगला फ़ायदा आता है दिल के लिए। मूंगफली का तेल MUFA से भरपूर होता है, जिससे शरीर में फैट नहीं बढ़ता है और ख़राब कोलेस्ट्रॉल भी शरीर में जमा नहीं होता है। इस तेल का इस्तेमाल करने से कोरोनरी आर्टरीज की बीमारी नहीं होती है। इस तेल के इस्तेमाल से धमनियों में खून का बहाव भी अच्छी तरह से होता है। मूंगफली का तेल दिल को स्वस्थ बनाए रखने में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होता है। दोस्तों, इसका अगला फ़ायदा होता है मालिश करने में। मूंगफली के तेल से सिर्फ खाना ही नहीं पकाया जाता, बल्कि यह सौंदर्य और मॉइस्चराइजर के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जोड़ों में दर्द होने पर मूंगफली के तेल से मालिश करने से दर्द कम हो जाता है, क्योंकि इसमें विटामिन ई होता है। इस तेल से मालिश करने से स्किन ग्लो करने लगती है। दोस्तों, इसका अगला फ़ायदा होता है मोटापे को कम करने में। इसमें फैटी एसिड अनबैलेंस्ड मात्रा में नहीं होता है, जिसकी वजह से बॉडी में फैट नहीं बढ़ता है और मोटापा कम किया जा सकता है। दोस्तों, इसका अन्य फ़ायदा होता है कोलेस्ट्रॉल के लिए। मूंगफली का तेल कोलेस्ट्रॉल के लिए भी अच्छा तेल होता है। इसमें खराब कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, जिससे आपको मोटापा और दिल की बीमारियाँ होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। मूंगफली का तेल कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होता है। तो दोस्तों, देखा आपने मूंगफली का तेल किस किस प्रकार से आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है और किन किन सूरतों में इसको यूज़ किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये थी मेरी जानकारी आप सभी लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएँ। अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।